तो गाइस जब से GTX 1650 सुपर निकला है आई वाज प्रीटी एक्साइटेड बिकॉज मैं GTX 1650 नॉन सुपर एडिशन का बहुत गालियां दिया था मैंने जब भी वो निकला था। क्यों? क्योंकि हो सकता है GTX 1650 बिना पावर कनेक्टर के साथ काफ़ी पावरफुल है एंड शायद सबसे पावरफुल कार्ड है जिसमें कनेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी उस टाइम पे RX 570 को आउट परफॉर्म नहीं कर पाता था। इस कार्ड में कुछ और भी दिक्कतें थी, जैसे कि इस कार्ड में जो बाकी के ट्यूरिक कार्ड्स है उसके अंदर जो एनबैंक एनकोडर लगा हुआ है नया वाला वो इसमें नहीं था। पुराने पास्कल एनकोडर होने की वजह से काफी खराब परफॉर्म करता था जब भी आप इस पे स्ट्रीम करने की कोशिश करते थे। टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन एंड गेम प्ले का मैं दे दूंगा, तो गो थ्रू दैट, जो देखना है बस उतना ही देखना एंड गिव इट ए लाइक अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो। तो इसके बाद आया GTX 1650 सुपर करीब डेढ़ से दो महीना पहले 1280 कूडा कोर्स के साथ एंड नए एनवेंक एनकोडर के साथ। ये पोटेंशियल भी बहुत ही अच्छा होने वाला था। वेल, रिव्यू यूनिट उस टाइम पे तो मेरे को मिला नहीं था, बट अभी आई एम थैंकफुल टू Inno3D कि उन्होंने मेरे को अपना GTX 1650 सुपर फिन X2 OC एडिशन भेजा। खैर, आई वाज वेरी एक्साइटेड। अनबॉक्सिंग एंड इंस्टॉलेशन का वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है, तो उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, गो एंड चेक इट आउट अगर वो नहीं देखा है तो। तो इस वीडियो में सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करेंगे। तो गाइस, टोटल मैंने 10 गेम्स का बेंचमार्क किया है इस कार्ड पे एंड आई एम नो कि आप लोग काफी इंटरेस्टेड हो गए इन सभी के सभी गेम्स में। गेम प्ले फुटेज एलगाटो HD60 पे कैप्चर किया गया है, तो फुल क्वालिटी 1080p 60fps क्वालिटी आपको मिलता है एंड बेंचमार्क्स मैंने MSI Afterburner से किया है, तो परफॉर्मेंस डेल्टा बहुत ही कम होगा, यानी कि ओरिजिनल गेम प्ले एंड रिकॉर्डिंग में देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। जितने भी बेंचमार्क्स हैं वो रियल गेम प्ले का है एंड बेंचमार्क जो है वो इन्हीं गेम प्ले फुटेज में से लिया गया है। साथ ही आज का टेस्ट बेंच की अगर हम लोग बात करें तो ये मैं अपना मेन सिस्टम यूज कर रहा हूँ Ryzen 7 1700 एट 3.575 GHz। रैम है 2x8GB, Xeon की स्टिक्स हैं 2666 MHz पे ओवरक्लॉक किया हुआ है मैंने। MSI B350M VD+ मदरबोर्ड है, 120GB Plexter का SSD है, 3TB का Seagate Surveillance Skyhawk HDD है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बताया ये मेरा मेन सिस्टम था एंड करंटली मैं इसको यूज कर रहा हूँ अपने GTX 1080 Ti के बदले, सो वो भी एक एक्सपीरियंस है कि मेरे को कितना परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को मिलता है। एंड टेस्ट बेंच पे मैंने इसको इसीलिए नहीं यूज कर पाया बिकॉज मेरे पास अभी PSU नहीं है, तो मैंने वो ऑर्डर किया है, एज सून एज इट कम्स मैं इसको Ryzen 3 2200G के साथ भी रिव्यू करके बताऊंगा। एनीवेज, पिछले 4 दिनों से मैं इसको यूज कर रहा हूं एंड टू बी वेरी फ्रैंक, इसके परफॉर्मेंस से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। तो गाइस, ये कार्ड GTX 1650 सुपर उसी चिप पे बना है जिस पे GTX 1660 सुपर, GTX 1660 Ti एंड GTX 1660 बने हैं, बट डेफिनेटली ये GTX 1650 जो TU117 है उससे ज्यादा पावरफुल है। तो खैर गाइस, Inno3D का ये ट्विन X2 OC वर्जन काफी बढ़िया कार्ड है, हाई एंड कूलर है। कार्ड जो है वो करीब करीब 1.7 kgs तक जाता है। वैसे मैं इसका एक टियर डाउन वीडियो भी बनाने वाला हूँ एंड अगर तुम लोग हार्डवेयर वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। चलो, काफी ज्ञान हो गया, अब गेम प्ले बेंचमार्क्स की तरफ देखते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन जैसे कि मैंने पहले बताया दिया हुआ है, तो जो भी गेम तुमको देखना है दैट यू कैन सी। तो फिर मिलते हैं आफ्टर द बेंचमार्क्स।
तो गाइस वेलकम बैक। सभी गेम्स अल्ट्रा सेटिंग्स पे थे, 1080p रेजोल्यूशन, मोशन ब्लर मैंने ऑफ किया हुआ था। एंड जैसा कि भी तुमने देखा, ई-स्पोर्ट्स टाइटल जितने भी थे, CS:GO, Rainbow Six Siege, Apex, Fortnite, इन सब में कोई इशू नहीं है। अराउंड यू आर गेटिंग मोर देन 100 FPS इन मोस्ट ऑफ द केसेस। AAA टाइटल्स जैसे कि Far Cry New Dawn, PUBG, Sniper Elite 4 में हमको 60+ FPS मिलते हैं अल्ट्रा सेटिंग पे, एंड अंडर 60 FPS हमको मिलता है GTA 5 में, Division एंड Battlefield 5 में। नाउ द मेन इशू विद दिस रिग इज द Ryzen 7 1700, बिकॉज उसके अंदर कोर्स हैं, बट वो जो कोर्स हैं वो बिकॉज वो Ryzen फर्स्ट जेन पे बेस्ड हैं तो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक यहाँ पे जो हमको bottleneck है वो देखने को थोड़ा बहुत मिल रहा है। आई एम वेरी श्योर अगर हम इसको किसी इंटेल के 9th gen CPUs के साथ यूज़ करते तो परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा होता, इवन विथ Ryzen 5 3600 अगर हम इसको यूज करते तो। तो GTX 1650 से जब इसको हम कंपेयर करते हैं तो सभी गेम्स में ये करीब 25-35% तक फास्टर है। साथ ही अगर स्ट्रीम कर रहा हो तो सेटिंग्स लो करने पे भी डेफिनेटली आपको ज्यादा फ्रेम्स का हिट नहीं लगता है, एंड आपका स्ट्रीम जो है वो भी इफेक्ट नहीं होता है। इस कार्ड में हमको एक 6-pin पावर कनेक्टर की जरूरत है, एंड कोई भी 450 वॉट्स का PSU के साथ आप इस कार्ड को यूज कर पाओगे। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर CPU आप ज़्यादा पावरफुल ले रहे हो, लेट से एक i9 9900K के साथ या 9700K के साथ लगाते हो, इन दैट केस यू नीड अ बेटर SMPS। परफॉर्मेंस तो सॉलिड है, बट इस कार्ड की एक जो खास बात है वो इसका ट्यूरिंग एनकोडर चिप है। पूछोगे क्यों? क्योंकि पहली बात, ये एक अलग चिप है जो एनकोडिंग एंड डिकोडिंग का लोड GPU से अलग कर देता है जब भी आप स्ट्रीम कर रहे हो तो। दूसरा, क्वालिटी ऑफ द एनकोडिंग X264 या CPU एनकोडिंग के अराउंड 90% तक उसके बराबर का क्वालिटी ये देता है। अभी जो वीडियो तुम्हारे सामने चल रही है ये मैंने इसी GPU से स्ट्रीम किया है, एंड 6000 मेगाबिट पर सेकंड 1080p 60 FPS पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी हमको ये GPU जो है इसका एनकोडर दे रहा है। स्ट्रीमिंग के ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि मैं इसका यूज करके, अगर बिकॉज ये सबसे सस्ता चिप है जिसके अंदर चिप है NVENC वाला, तो I'll be telling you a whole lot अगर जब भी मैं इसका स्ट्रीमिंग वाला वीडियो बनाऊंगा तो। अब दिक्कत की बात कर लेते हैं। अब इतना अच्छा कार्ड है बट इसके इश्यूज डेफिनेटली हैं। 4GB VRAM जो कि 12000 MHz के स्पीड पे है, एंड ये इसको बॉटलनेक करता है 4GB VRAM को। जब भी आप कोई ऐसा गेम खेलते हो जिसका अल्ट्रा या हाई टेक्सचर जो है, इसका VRAM का जो लिमिट है, एनवेलप है, वो 4GB से ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो गेम्स हैं उसके VRAM कम से कम यूज़ करें या एटलीस्ट 4GB तक ही यूज़ करें। तो ये चीज़ ध्यान रखना है जब भी आप लोग गेमिंग करोगे तो। इसके अलावा जब तक प्राइस की बात है, तो एंट्री लेवल कार्ड्स इसको आप अगर Amazon या ऑफलाइन मार्केट्स में देखो तो 13,000-15,000 के बीच में मिल जाते हैं। हाई एंड 15,000 के आसपास मिलेंगे, जो लो एंड हैं वो 13,000 के आसपास मिलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं Amazon का लिंक दे दूंगा। एंड Inno3D का ये कार्ड आपको मार्केट में 13,799 के प्राइस पॉइंट में मिल जाएगा। Amazon वाला लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं इसके कंपैरिजन में AMD का क्या कार्ड आता है, या इसके NVIDIA के जो दूसरे कार्ड्स हैं वो कैसा यूज़ करते हैं। तो GTX 1060 आई आस्क यू टू अवॉइड बिकॉज वो पुराना हो गया है एंड इट डजेंट हैव दोज एडवांटेजेस। 6GB VRAM है बट दिस कार्ड स्टिल परफॉर्म्स बेटर। जो रियल कंपेटिटर है वो है RX 580, बट 4 साल पुराना कार्ड है, बहुत ज़्यादा पावर खाता है एंड बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी प्रोड्यूस करता है। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, मैंने इसका दोनों का कंपैरिजन दिया हुआ है। जस्ट वो देख के तुमको समझ में आ जाएगा कि RX 580 VRAM ज़्यादा है, बट दिस कार्ड इज स्टिल बेटर अगर आप लोग इस रेंज में रहोगे, बिकॉज ये कार्ड आपको सारे गेम्स तो डेफिनेटली खिला देगा। साथ ही ओवरक्लॉक करोगे तो यू विल ऑल्सो गेट सम गुड गेन्स एज वेल। तो गाइज आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने मैक्सिमम चीजें इस कार्ड को लेके कवर कर दिया है। RX 580 अगेन, बहुत लोगों को ये दिक्कत रहेगी कि वो नहीं मानेंगे कि 8GB VRAM वाला कार्ड होता है, एंड दैट इज वाई दे शुड गो फॉर दैट। बट बेस्ड ऑन दिस कार्ड्स परफॉर्मेंस मैं तुम लोगों को ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन गो फॉर दिस कार्ड। एंड अगर तुम्हारे पास एक फॉर एग्जाम्पल Ryzen 5 3600 या Intel का कोई CPU है, लेट से 9400F, उसके साथ ये कार्ड गेमिंग बहुत अच्छी कराएगा। साथ ही आप स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो बिकॉज इसका जो एनकोडिंग वाला चिप है वो इसके GPU से लोड शेयर नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक डेडिकेटेड चिप है जो कि ये काम करता है, एंड दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू दिस कार्ड। तो अगर तुम लोग एक लो बजट स्ट्रीमिंग PC बनाना चाहते हो, दिस इज योर ऑप्शन, दिस इज योर कार्ड यू शुड गो फॉर। तो पसंद आए अगर ये कॉन्टेंट तो लाइक करना, शेयर करना। फ्यूचर वीडियोज को अगर देखना है तो सब्सक्राइब बटन हिट करके हिट द नोटिफिकेशन बेल। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में गाइज। टेक केयर एंड जय हिंद।